सिवान जिला के पचरुखी में मोहम्मदपुर में निकट लाला ट्रेडर्स के नजदीक आशा हॉस्पिटल में बेहतर इलाज कइल जा रहल बा। जी हाँ, रुआ के बता दी कि आशा हॉस्पिटल में 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध, दवा के दुकान भी 24 घंटा खुलल रहेला, नॉर्मल डिलीवरी और साथ ही सिजेरियन डिलीवरी के भी सुविधा उपलब्ध बा। साथ ही यहाँ पर लकवा, थायराइड, शुगर, हार्ट, सांस फूलना, बीपी, बुखार, खांसी, पेट, छाती, मूत्र, नस, कमर दर्द, घुटना दर्द, पीठ दर्द, कंधा दर्द, आंत, लीवर और बवासीर, गठिया, सर में दर्द और औरतों के सभी बीमारी के इलाज कइल जाला। नमस्कार, हमें रोहित रवा देखतनी मैच बॉक्स। अभी मैच बॉक्स के टीम में पचरुखी के ई आशा हॉस्पिटल हटे, अभी खुला 2 महीना होते। विजुअल में रवा देख सकतनी कि एकर जो रिस्पॉन्स बाटे काफ़ी बेहतर बाटे। अगर हम बात करी अगर एजी जे भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर बाटे काफ़ी अनुभवी बाटे। आज हम सब जाने के प्रयास करते सन कि हम सन के देखा जाता कि समाज में लकवा के पेशेंट काफ़ी अधिक मात्रा में होता रहे और बहुत ऐसे लोग बाकी जानकारी के अभाव में बहुत दूर जाला लो और सही तौर पर इलाज ना हो पाएला। और अगर हम सबके सिवान में ले ली सर तो ऐसा बहुत ज़्यादा लोग लकवा का पेशेंट कि वो बनारस जला कि वो पटना जला, लेकिन सही जानकारी ना होला कि कौन डॉक्टर के पास दिखाई। आज हमारे साथ मौजूद बने डॉक्टर सदाम अहमद जी, एगो अनुभवी डॉक्टर हैं। हम जाने के प्रयास करें कि यहाँ के का चीज के स्पेशलिस्ट हैं, लगातार जाने के प्रयास करें कस की देखें से ही अनुभवी लगत नहीं। हमारा ठीक सामने एगो पेशेंट आयल है और वो पेशेंट के हम देखने के काफ़ी सरलता के साथ और काफ़ी बेहतर इलाज कोई नहीं है और पेशेंट से भी काफ़ी सॉफ्ट तरीके से बात करनी। सर, सबसे पहले हम स्वागत करते हैं आपका, आभार जो आपने आप यहाँ आए मेरे हमसे मिलने के लिए। और मेरा नाम डॉक्टर शादाब अहमद है, मैंने यूक्रेन से ग्रेजुएशन किया था और दिल्ली में मैंने 15 साल काम किया है, इंटर्नशिप और फिर रेजिडेंसी किया है मेडिसिन में। और मैं लकवा के बहुत सारे पेशेंट्स मैंने दिल्ली में खुद ही बहुत सारे पेशेंट्स को मैंने ट्रीट किया है और वैसे तो यहाँ पर बहुत ही वैसे पेशेंट्स मेरे पास अभी तक नहीं आए हैं। और जी, और देखते हैं यहाँ पर जैसे भी अभी तक 2-3 पेशेंट्स आए हैं जो कि बहुत ही हल्के, बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा था। एक पेशेंट्स मेरे पास आया था, एक बच्चा था 17-18 साल का, जिसको कि जो बिल्कुल बिस्तर पर आ गया था और बहुत दिनों से इलाज करा रहा था। मेरे पास जब आया तो वो बिल्कुल हाथ पैर नहीं चला सकता था, बात भी नहीं कर पा रहा था, नहीं कॉन्शियस में था लेकिन उसके हाथ पैर भी काम करना बंद कर दिए थे। लेकिन हाँ, दो तीन दिन इलाज चला, उसके बाद से वो चला गया, छुट्टी हो गई और अब जो है वो खुद से चलता है, फिरता है, अपने से उठता बैठता, अपना सारा काम अब खुद से करने लगा है। धीरे धीरे उसकी सारी शक्तियाँ वापस आने लगी हैं। और देखिए, लकवा जो होता है वो लकवा बहुत सारे कारण से होता है, जिसमें 2 प्रमुख कारण है। एक तो ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना, दूसरा शुगर का बहुत ज़्यादा हो जाना या शुगर का बहुत कम हो जाना। तो इसके बचाव के लिए ये 2 चीज़ें हैं कि आप बीपी का ठीक से इलाज करते रहें और शुगर को हमेशा नॉर्मल रखें और वक्त वक्त पर अपना ब्लड प्रेशर के लिए डॉक्टर को दिखाते रहें और दवाइयाँ जो हैं वक्त पर लेते रहें, अपने जांच कराते रहें। उसी तरह से शुगर के लिए भी, शुगर को कंट्रोल में रखेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली लकवा नहीं होगा। सर, ग्रामीण परिवेश में अक्सर देखा जाता है कि लकवा को, मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, मतलब लोकल से ही ट्रीटमेंट करा लेते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या बनती जा रही है। आखिर में ग्रामीण परिवेश में कमियां कहाँ हैं, जागरूक कहाँ करना चाहिए कि लोग जान पाए कि सही डॉक्टर के पास लेकर जाएं। देखिए, बात ये होती है कि जब पहला अटैक आता है और उसके बाद से लोग बहुत ज़्यादा टाइम लैप्स कर जाता है इधर उधर के इलाज में, तो उससे पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बहुत ख़राब हो जाती है। अगर वो समय पर हमारे पास आ जाएं तो वो उनके ठीक होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, बहुत आसानी से वो लोग ठीक हो सकते हैं। और मैक्सिमम केसेस में ऐसा हुआ है और मैंने दिल्ली में ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जो कि वक्त पर आए और उनको फौरन ट्रीटमेंट मिल गया और वो लोग ठीक हो गए।
चाहे वो चेहरे की फालिज हो या बदन में कहीं की भी फालिज हो, वो ठीक हो जाता है, लेकिन समय पर उसका ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। सर, देखा जाता है कि सेकेंड अगर अटेम्प्ट आता है लकवा का, तो उस समय क्या क्रिटिकल मूवमेंट रहता है, उस समय कैसे बचाव करना चाहिए? सेकेंड वाला थोड़ा क्रिटिकल होता है, तो इसमें भी वही है जो कि पहले अपने डाइट का कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें, लंग्स का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, वो मतलब सांस की इन्फेक्शन से अपने आप को अपना बचाव करें। ये दो तीन चीज़ें हैं जिसको कि कंट्रोल में हमेशा रखना चाहिए, और अगर हो जाता है तो फौरन किसी डॉक्टर को दिखा लें, कहीं पर भी चूक नहीं होना चाहिए। अच्छा, अक्सर लोग जान नहीं पाते कि किस डॉक्टर से दिखाएं, कौन से ऐसे स्पेशल डॉक्टर से दिखाएं जो स्पेशल लकवा का ही हो, थोड़ा लोगों को जानकारी के लिए बता दें, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में लोग जनरल फिजिशियन से ही दिखा देते हैं या कोई झोला छाप डॉक्टर है उसी से भी दिखा लेते हैं और 10 दिन ट्रीटमेंट कराते हैं और केसेस ख़राब हो जाती हैं। नहीं, तो इसमें जनरल फिजिशियन भी देख सकते हैं, बट न्यूरोलॉजिस्ट जो और वो लोग जो इस लकवा के पेशेंट जिन ट्रीट करने का जिनके पास एक्सपीरियंस हो उनको दिखाना चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी रिकवरी हो सके। और वो देख सकता नहीं कि हमारे साथ मौजूद रहनी डॉक्टर सदा अहमद जी, लगातार हमें के यहाँ के एगो जागरूक तरीका से वीडियो बतानी है, मतलब वो बीमारी के बारे में बतानी है कि वो बीमारी के शुरुआत कहाँ से होला, ओकर जड़ के बारे में बतानी है और कैसे बचाव करे के चाहिए, तमाम सभी चीज़। अब सिवान में भी लकवा के जे भी अगर मरीज बाटे, यहाँ के माध्यम से हम जानकारी दे दे के चाहते हैं, काफ़ी अनुभवी डॉक्टर बानी और आशा हॉस्पिटल जन पचरुखी बाईपास के ठीक बगल में बाटे आई, और लकवा के जे भी पेशेंट बाटे काफ़ी सफलतापूर्वक इलाज होला और काफ़ी कम दाम में, जन आशा हॉस्पिटल के हमेशा हम देख रहा बनी का रिस्पॉन्स काफ़ी कम दाम में और अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता है। बहरहाल बने रही माइच बॉक्स के साथ। आसिफ जी, आपके हॉस्पिटल के अभी लगभग एक डेढ़ मंथ कम्प्लीट हुआ है, जिस प्रकार से तस्वीरों में दिख रहे हैं पेशेंट जी, क्या सोलह हॉस्पिटल में क्या पेशेंट आए, क्योंकि तमाम क्षेत्रवासियों में चर्चा का विषय बना हुआ है जी, जी। आपने नॉर्मल डिलीवरी भी काफ़ी कराई है जी, ये बात कहाँ तक सत्य है और क्या क्या है ताकि हमारे आसपास के जो क्षेत्र हैं, जो मरीज हैं, उनको लाभ मिल सके आपके आशा हॉस्पिटल के माध्यम से जी। सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद। देखिए, हमारे यहाँ जैसे कि आपने अभी पूछा कि मार्केट में नॉर्मल डिलीवरी के बारे में चर्चा चल रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब कुछ एक महीना में जो भी नॉर्मल डिलीवरियाँ हो रही हैं, ये चर्चा चल रहा है। देखिए, हमारे यहाँ हॉस्पिटल खुले हुए एक महीना 8-10 दिन हो रहा है, ठीक है। नॉर्मल डिलीवरी की आप बात कर रहे थे तो ये अभी 10-15 हुआ है, इसमें 10-15 डिलीवरी करा दी है जी, जी नॉर्मल हुआ है जी, नॉर्मल हुआ है। इसमें कुछ केस ऐसे थे जो सिवान गोपालगंज में या अदर डॉक्टर उसमें लिखे हुए थे कि ये ऑपरेशन करके होगा, और हमारे यहाँ वो केस नॉर्मल हुआ। जैसे हमारे ही गांव के बगल में ही है, पागुरकोठी गांव है, वहां का भी एक केस आया था, वो लोग 2-3 जगह दिखाए हुए थे, उनको हर जगह से यही बोला गया था कि ये डिलीवरी ऑपरेशन करके होगा, और वो हमारे यहां नॉर्मल हुआ। और भी दो चार केस ऐसा था जो कि ऑपरेशन तो इजी बोल दिया गया था लेकिन वो नॉर्मल हुआ, तो ये सच्चाई है। लेकिन अभी के डॉक्टरों के पास जो अभी तमाम लोग जाते हैं जब ग्राम जीरो रिपोर्टिंग करने के लिए, तो ये डॉक्टर लोग बहुत से ऐसे पेशेंट आते हैं तुरंत जाने के बाद ऑपरेशन कर देते हैं, आपके हॉस्पिटल ने कैसे कर दिया 15 नॉर्मल डिलीवरी, क्या ये बात विश्वास करने लायक है? बिल्कुल विश्वास करने लायक है। देखिए, हर किसी का ट्रीटमेंट का अपना अपना तरीका होता है। हमारे यहाँ जो डॉक्टर हैं, जो स्टाफ हैं, उन्हें लगा कि ये हम नॉर्मल करा सकते हैं, उनका एक्सपीरियंस था, वो अपने एक्सपीरियंस पे कराएं। चलिए बताइए, आप 15 डिलीवरी नॉर्मल कराए जी, अभी डिलीवरी के नाम पर लूट मची हुई है जी, आपको भी पता है जी, आपके हॉस्पिटल ने एक नॉर्मल डिलीवरी क्या चार्ज किया, ताकि बताइए कि भाई जो लोग हैं वो डरे ना और आए पहुंचे आपको। देखिए, हमारे यहाँ नॉर्मल डिलीवरी का चार्ज जो है बहुत ही कम है, मिनिमम है, जो आप दूसरे जगह जहाँ भी जाएंगे उनसे तो कम ही मिलेगा। सर, आपके हॉस्पिटल में कितना डॉक्टर सेवा दे रहे हैं? देखिए, हमारे हॉस्पिटल में 2 डॉक्टर रेगुलर हैं अभी, एक डॉक्टर सदाब अहमद हैं MBBS MD और दूसरी डॉक्टर पूजा सिंह है जी, गायनी है, वो 2 कंटिन्यू हैं, बाकी डॉक्टर 4 ऐसे हैं जिनसे ऑन कॉल हैं,
हाँ, अगर हमारे यहाँ कोई ऐसा केस इमरजेंसी आ जाता है कि हमें अगर बाहर से भी डॉक्टर लेना पड़े तो हम उनको बुला लेंगे। अल्ट्रासाउंड और ब्लड जांच वगैरह के लिए बाहर, ये सारा चीज़ का व्यवस्था है। आप ही क्या है? ये बगल में ही है। आसिफ जी, कुछ लोग समाज में ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि जितना बड़ा बिल्डिंग उतना बड़ा फीस। जी देखिए, जितना बड़ा बिल्डिंग उतना बड़ा फीस। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, सिवान में नॉर्मल जो भी फीस अभी चल रहा है वो आपको मालूम होगा। अभी हमारे यहाँ 200 रुपया फीस है पर मंथ किसी भी डॉक्टर से दिखा हुआ, और फ्राइडे के दिन उनका फीस निशुल्क है, फीस नहीं लगता है। रहा बात जब तक मरीज जिनको लगता है कि ज़्यादा यहाँ पे चार्ज है, वो आए अपना ट्रीटमेंट कराएं, उसके हिसाब से उनको मालूम चलेगा सस्ता है या महंगा है। लगातार 15 नॉर्मल डिलीवरी आपने करा दिया जी, क्या आने वाले वक्त में आशा हॉस्पिटल नॉर्मल डिलीवरी के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा क्या सर? देखिए, आने वाले वक्त में उम्मीद है ये नॉर्मल डिलीवरी, और नॉर्मल डिलीवरी के साथ साथ एक और हमारे यहाँ है लकवा का स्पेशलिस्ट, जो लकवा का इलाज बेहतरीन किया जाता है। हाँ, तो हमारे यहाँ एक लकवा के पेशेंट आए थे जो बगल में ही बहुत सारे डॉक्टर से मिले थे, और वो पटना भी गए हुए थे किसी हॉस्पिटल में, वहाँ से वो रिटर्न आए तो उनके जानने वालों ने बोला कि एक नया हॉस्पिटल खुला हुआ, आप वहाँ पर चले जाइए, वहाँ भी लकवा का इलाज होता है, शायद कुछ फ़ायदा हो जाए। वो तो उम्मीद छोड़ चुके थे, तो वो हमारे यहाँ आए तो उनको हम लोग स्ट्रेचर पर लोड करके लाए, क्योंकि उनका कमर हाथ पैर उतना काम नहीं कर रहा था, पड़े हुए थे, और 3 दिन में बॉडी में मतलब हाथ पैर लगा कि अब ये सही हो रहा है। 7वें दिन वो बच्चे हैं, बच्चा अपने से नीचे से ऊपर चल के आया, अल्हम्दुलिल्लाह। कल भी वो बच्चा आया था, काफ़ी अच्छा है। लास्ट सवाल रहेगा आपसे, नॉर्मल डिलीवरी की कितनी परसेंट आप लोग ये देते हैं, उम्मीद देते हैं? देखिए, नॉर्मल डिलीवरी की तो हमारी जो उम्मीद रहती है, हमारे यहाँ से कोशिश 100% किया जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। 80% मान के चले, 95% मान के चलिए। ये सीजेरियन व्यवस्था आपके यहाँ? जी, अभी जो सीजेरियन की व्यवस्था है हमारे यहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी।